एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बुधवार को यातायात विभाग में कार्यरत होमगार्ड के जवानों को दो दो मास्क वितरित किया। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि होमगार्ड के दो दो मास्क इसलिए दिया जा रहा है कि एक पहने और गंदा होने पर उसे धुल दें और दूसरे का इस्तेमाल करें, जिससे वे अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपनी ड्यूटी कर सकें। गौरतलब है कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान भी 24 घंटे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में पुलिस का हर जवान अपने परिवार की फिक्र किए बिना आम जनमानस की सुरक्षा में तैनात है और कोरोना की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपीसी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, हमारे होमगार्ड्स के जो जवान हैं, ये रोज़ इनको ज़रूरी है कि हर चौराहे बैठते हैं तो इनको मास्क लगा के बैठे हैं ये, तो उसी उद्देश्य से हम लोग जो है अपने समस्त होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को दो दो मास्क दे रहे हैं, जिससे कि यूज़ करें, उसको धो के साफ करें, उसको फिर दूसरे दिन पहनें। और ये सभी हमारे जितने भी जवान हैं, लगभग 250 के आसपास हैं, इन सभी को मैं आज ये सभी मास्क वितरित करूँगा। मैं कितने कारगर हुए हैं सुरक्षा में? नहीं, ये तो कारगर है, बाकी तो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं, ये जो है वॉशेबल हैं, इनको वॉश करके जो है आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिस्पोजेबल मास्क तो इनके लिए ज़रूरी है, अब ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि रोज़ एक नया मास्क लें, तो इनके लिए मैं जो वॉशेबल मास्क की व्यवस्था कर रहा हूँ।